सो क्या हुआ है यहां पे, जैसे हमने कहा हर कॉइल जो है, ठीक है, हर कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहां से करंट आ रहा है और इस तरह से फ्लो कर रहा है, हर कॉइल में यही फिनोमेना हो रहा है। इस तरह की कॉइल के लिए हमने बताया कि कहीं पर भी अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो की तरफ हमें मिलेगी, लेफ्ट टू राइट हमें मिलेगी। तो यहां पर अब क्या हो गया, ये सारी कॉइल्स ने मिलाकर ये एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, सारे लूप्स ने मिलाकर एक नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट करी। सो यहां पर जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एग्जैक्टली इन सर्कुलर शेप। हम कॉइल के अंदर तो ये देखेंगे कि हमें ऑलमोस्ट सब जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट एज द मैग्नेटिक फील्ड गोज आउट, जैसे ही हम लूप के सोलेनॉइड के बाहर देखेंगे तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कर्व होने लगेगी, वो कर्व आउट होने लगेगी, ठीक है। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ सोलेनॉइड। हमें सोलेनॉइड के अंदर जो है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगती है, हमें सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगती है, ठीक है। दिस हैज सेवरल एप्लीकेशन, जिसके कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, और सोलेनॉइड में हम मेनली जो अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है उसी में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। नाउ ऑल्सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हियर, यहां पर हम एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ध्यान से देखें देन दे आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिकॉल करो, वो एग्जैक्टली इसी तरह से थी। बीच वाला पार्ट अगर हम छुपा दें, ठीक है, बीच वाली लाइंस अगर हम छुपा दें तो जो बाकी की लाइंस हैं वो एग्जैक्टली हमें वैसी की वैसी ही दिखेंगी जैसी एक बार मैग्नेट की होती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन करते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनॉइड is exactly same as that produced by a bar magnet. Magnetic field produced by a current carrying solenoid exactly same as that produced by a bar magnet. This is our first observation, जो हम एक analogy यहां पर देख रहे हैं, और हम यहां पर क्या points बता रहे हैं, किस तरह के relations बता रहे हैं about the magnetic field produced by solenoid, ठीक है। द मेजर यूज जो हम बता रहे हैं, द मेजर यूज इज ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड is uniform
इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. ये हमें कैसे पता चल रहा है? दिस इज शोन बाय द पैरेलल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज शोन बाय द पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शोन बाय पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, शोन बाय पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, देन यहां पर हम और जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जो हम यहां पर डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, बट एक्सपेरिमेंटली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज दैट अगेन एज वी इंक्रीज द करंट, जैसे जैसे हम करंट इस सोलेनॉइड में बढ़ाते हैं, इस सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो इंक्रीज करने लगती है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current flowing in the solenoid. The strength of magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to current flowing in the solenoid. मतलब अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो मीनिंग बताया था, अगर हमने करंट डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी. इट विल बिकम ट्वाइस एज स्ट्रॉन्गर. देन एक और लॉजिकल ऑब्जर्वेशन या लॉजिकल कंक्लूजन जो हम दे सकते हैं, भाई एक कॉइल थी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, दो होंगी तो और ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तीन चार, जैसे जैसे वो लूप सम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए. ठीक है, सो वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स और लूप्स इन द सोलेनॉइड. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to number of turns or loops. The strength of magnetic field is directly proportional to the number of turns in the solenoid. Solenoid में वो जो coil हमने बनाई है, जितने ज्यादा loops होंगे, जितने ज्यादा turns होंगे, magnetic field उतनी ज्यादा strong हमें मिलेगी. ठीक है, then the next part हम इसमें जो एक analysis करना चाहेंगे, भाई हम बोल रहे हैं कि ये जो एक सोलेनॉइड है, दिस बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और इसका साउथ पोल कौन सा है? विच एंड शुड बी द नॉर्थ पोल, विच एंड शुड बी द साउथ पोल, कौन सा एंड नॉर्थ पोल होना चाहिए, कौन सा एंड साउथ पोल होना चाहिए? तो उसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ये फील्ड लाइंस देखकर, हमें मालूम है नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर इमर्ज होती हैं, साउथ पोल पे खत्म होती हैं.
बट ये हम तब कर पाएंगे जब हमें फील्ड लाइंस गिवन हो. अदरवाइज जो एक सिंपल सा मेथड होता है टू डिफाइन द पोल्स, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पोल्स कौन से होंगे इस सोलेनॉइड के, उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक हम बताते हैं. दैट नॉर्थ और साउथ को हम इस तरह से बना के लिखें. ठीक है, इसी में सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाती है. दिस इज अ सिंपल वे टू रिमेम्बर कि कौन सी वाली साइड नॉर्थ पोल होगी, कौन सी वाली साइड साउथ पोल होगी. व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? एरोज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो जिस एंड पे हमें, ठीक है, हमने ये सोलेनॉइड रखा है, जिस एंड पे हमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रही वो एंड नॉर्थ पोल है. जिस एंड पर हमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रही है वो एंड साउथ पोल है. सिंपल, इस तरह से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफाइन कर सकते हैं सोलेनॉइड के. ठीक है, जैसे इस वाले केस में हमने करंट को ऐसा माना हुआ है, ये इधर से अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है. तो जब हम यहां से देखेंगे तो ये चीज हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी. That means this is the North Pole, जो कि हमें फील्ड लाइन से भी दिख रहा है. जब हम इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? करंट इस तरह से आता हुआ, दैट इज क्लॉक वाइज. तो ये वाला एंड साउथ पोल होना चाहिए जो कि फील्ड लाइन से दिख भी रहा है. सो दिस इज द नॉर्थ पोल वेर एज दिस इज द साउथ पोल. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट वुड करेस्पॉन्ड टू नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन of current would correspond to south pole. Okay, this is a simple way of remembering the poles. Okay, ये जो solenoid है इसका कौन सा end किस pole की तरह behave करेगा, ये चीज याद रखने का है कि simple सा method है बस. So, this is all about solenoid and its magnetic field produced by a current carrying solenoid. Now, what is the major use of this? इसका जो एक major application होता है, the major application of this solenoid is to produce electromagnets. हम जो है इस system को, इस चीज को, इस कॉम्बिनेशन को यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं. व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिंपली टेम्पररी मैग्नेट्स प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट दैट मीन्स द मटेरियल नाउ हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसी सेटअप के अंदर, हम इसी सेटअप के अंदर एक रॉड डाल देते हैं, एक स्टील रॉड या आयरन रॉड डाल देते हैं. ठीक है,
हम इसी सेटअप के अंदर मतलब उसी कॉइल के अंदर जो है एक रॉड डाल देते हैं, ठीक है, एक स्टील की रॉड या सॉफ्ट आयरन की रॉड उसके अंदर हम